क्लास सेवन. गुड मॉर्निंग क्लास सेवन. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 21B. बच्चों 21A में आपको मीन निकालना था, आपको 21B में आपको मीडियन निकालना. तो मीडियन के लिए देखिए दो केस होते हैं. फर्स्ट केस कि अगर नंबर ऑड है, यानी कि टोटल जो नंबर होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, तो काउंटिंग करें तो कितने नंबर है, 10 होते हैं, 5 होते हैं, तो वही होता है. ठीक है, तो n इज़ अगर ऑड होगा तो फार्मूला क्या होगा मीडियन का, 1/2 n+1th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, 1th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन. ठीक, इसके बाद अगर n इज़ इवन होगा, अगर टोटल नंबर आपका जो होगा वो इवन होगा, तो फार्मूला क्या होगा मीडियन का, तो मीडियन का फार्मूला लगेगा 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन n/2+1th ऑब्जर्वेशन, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है कोई, जैसे लिखा फाइंड द मीडियन. ठीक है, तो अब मीडियन फाइंड करना है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 3 जैसे क्वेश्चन लेगा. अब इसको पहले अरेंजिंग करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो देखिए 2, 2, 2, 2, 3, 5, 9, 9, 10, 11 करा, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर्स है टोटल, 9 है. तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9. तो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है कि नहीं है, तो ऑड नंबर है, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा n/2 plus 1 to ऑब्जर्वेशन n/2th ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन ठीक है, तो देखिए एन कितना था, 9 था, प्लस 1/2, तो 9 plus 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो कितना हो गया, 10/2 हो जाएगा, तो कितना 5th ऑब्जर्वेशन होगा. तो 5th ऑब्जर्वेशन, अब इसमें देखना 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो देखिए जो असेंडिंग ऑर्डर में निकाला था उसको 5th देखना, 1, 2, 3, 4, 5. 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 7 नंबर है कि नहीं है, तो आपका मीडियन कितना निकल आया, तो आपका मीडियन निकल आया 7. ठीक, इसी तरीके से आपका आंसर आ गया. आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि फाइंड द मीडियन. तो मीडियन करने के लिए पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अरेंज तो है नहीं. तो देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़े नंबर लिखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8. अब उसका मीडियन निकालेंगे, तो ये क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है, इवन नंबर है, इट इज़ इवन नंबर. तो लगाएंगे 1/2th ऑब्जर्वेशन n/2+1th ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, तो देखिए 8/2 और 8/2+1, तो 4, 4th ऑब्जर्वेशन एंड 5th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो बच्चों देखिए 1/2 plus 4th ऑब्जर्वेशन एंड 5th ऑब्जर्वेशन, तो 4th और 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है पहले उसको देखेंगे. देखिए 4th कौन था, 1, 2, 3, 4, 4th था ये और 5th था 21. तो 4th और 5th देख लिया, ये दोनों 4th और 5th हैं, बस इन्हीं दोनों को लिखना है इसमें. तो 4th कौन सा था, 19 और 21. ठीक है, कौन सा था, 21 था ये, तो बस ऐड कर लीजिए, तो 1/2 40, अब इस कैंसिल हो जाएगा 2 जाए, तो मीडियन कितना आ गया 20, आपका यही आंसर हो गया. ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक और देख लीजिए, आपको कैसे करना है. तो देखिए द एजेस इन 10 टीचर्स इन स्कूल, फाइंड द मीडियन. तो अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख लेंगे. तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने मीडियन है इसमें, 10 नंबर्स हैं. तो क्या है, एन इज इवन होगा कि नहीं होगा, इवन होगा, इसके लिए फार्मूला अलग से लगेगा. तो देखिए 1/2th ऑब्जर्वेशन n/2+1th ऑब्जर्वेशन, तो लगाएंगे तो 1/2, तो देखिए 10 था टोटल, तो लिख लिया इसको, कितना आ गया 5th और 6th ऑब्जर्वेशन. तो 5th और 6th नंबर्स देखेंगे आप, तो आपका 5th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6th ऑब्जर्वेशन, यानी 40 plus 43. ठीक है, आपके 2 ऑब्जर्वेशन आ गए, तो बस आप लिख दीजिए. देखिए 40 plus 43 ऐड करा तो कितना आया 83. आप बस 83/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मीडियन 41 plus 5, आंसर इसका आ जाएगा. इसी तरीके से एक्सरसाइज 21B आपको कंप्लीट करनी है. ठीक है, फेयर कॉपी में आपको
कंप्लीट करनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। जो भी नहीं आएंगे उसको पूछ सकते हैं आप फ़ोन करके, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गए होंगे वो क्या आपको। थैंक यू बच्चों।